जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के बिष्टुपुर स्थित कार्यालय में जमकर हंगामा हुआ। कार्यालय के सामने कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं पर कांग्रेस की महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। पूर्वी सिंहभूम की जिला अध्यक्ष उषा यादव ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटा। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रभारी डॉ अजय के ऊपर त्रिपुरा में हुए हमले और महंगाई के खिलाफ सांसद विद्युत वरण महतो के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस दौरान सांसद विद्युत वरण महतो बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। भाजपा नेता भी मौजूद थे। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ता वहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पहुंचे। इसी बीच दोनों पार्टियों में झड़प की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे प्रदेश के दिशा निर्देश के अनुसार जितने भी महिला कांग्रेस की विंग है उनका एक दायित्व दिया गया है कि जितने भी हमारे झारखंड में सांसद हैं उनके घर के बाहर लोकतंत्र तरीके से हम बैठकर अपनी बातों को रखें और महंगाई के विरोध में आवाज उठाएं और उन्हें एक ज्ञापन सौंपें। लेकिन जब हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के सांसद श्री विद्युत महरण महतो जी के यहाँ हमारी बहने यहाँ आके अपने यहाँ बैठकर अपनी बात को रख रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धक्का मुक्की किया और मैं जो कि जिला का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मुझे पता चला कि ऐसी ऐसी बात है तो मैं यहाँ पहुँचा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेरे साथ भी हाथापाई किया जो बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ये दुर्भाग्य है। और साथ ही साथ हमारी जितनी बहनें ने सभी लोगों ने उन्हें ज्ञापन सौंपा है लेकिन उनके द्वारा जो बर्ताव किया गया हमारे साथ ये निंदनीय है और हम कड़ा ऐतराज करते हुए इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ। यह दमनकारियों की सरकार है। इस सरकार में विकास का उम्मीद तो हम कर नहीं सकते। इस सरकार में क्या उम्मीद कर सकते हैं? झूठा एफआईआर की उम्मीद कर सकते हैं। इस सरकार में क्या उम्मीद कर सकते हैं? घर से पकड़ करके निर्दोष को जेल में बंद करने का उम्मीद कर सकते हैं। उनको जितना फायर करना है जितना लिखना है लिख डाले और उनका जेल कितना बड़ा है कितना लंबा है हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस जेल को नापने को तैयार हैं। आप फायर करिए गिरफ्तार करिए हम यहीं बैठे हम लोग सोचे शांति से निकल जाएंगे यहाँ। जिस तरह से हम लोग नारा लगाना शुरू किए हम लोग किसी के गाली गलौज नहीं किए और महिलाओं के आकर इनका कचकर्दा धक्का मुक्की करने लगा। हम बोले भैया लोकतंत्र में कहाँ नहीं है कि अधिकार नहीं है महिलाएं अपने मन को नहीं रख सकती है। संसद महोदय के बताने के लिए हम लोग आए थे कि देखिए हमारे महिलाएं कितनी त्रस्त है और इसको संसद में जाकर बात उठाइए ताकि हम लोग महिलाओं को कुछ सुरक्षा मिल सके। लेकिन इस तरह का जो गुंडागर्दी हुआ ये कहाँ तक। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।